स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बड़ी अपडेट्स आपको पता चलने वाली है, तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले अपडेट जो निकल कर आ रही है, जैसा कि आपको पता होगा मोदी सरकार ने नीट में ओबीसी का आरक्षण लगभग खत्म कर ही दिया है। अब ओबीसी को नीट एग्जाम में कोई भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। उसको लेकर एक मंडल आर्मी है वो आंदोलन की तैयारी कर रही है। तो गाइस मेरे ख्याल से जिस प्रकार से भी ओबीसी को टारगेट करा जा रहा है, इसके बाद दलितों को टारगेट किया जाएगा, तो इसका विरोध करना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही यूपी चुनाव से। आपको पता होगा ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन करने वाले हैं और दोनों का एक मोर्चा बना है, मतलब उसमें कई सारी छोटी छोटी पार्टियां होगी। जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी लगातार राजनीति में अभी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और उनका एक लक्ष्य है कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, ओवैसी हो, सभी को एक मंच पर लाया जाए और एक तीसरे मोर्चे की तैयारी की जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा उसका नाम रखा गया है। तो अभी एक मुरादाबाद की रैली में ओवैसी के रहते हुए नहीं आए ओम प्रकाश राजभर जी। हाँ दोस्तों, ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जी का वहां पर कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर ओम प्रकाश राजभर जी नहीं पहुंचे। तो क्या आप कोई खटास आ गई है इन दोनों के बीच, क्या तीसरा मोर्चा यूपी में बनने से पहले ही बिखर जाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा यूपी की दो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों के बीच में हमेशा तकरार रहती है। हालांकि एक बार पिछले लोकसभा चुनाव में ये एक साथ आए थे, लेकिन कोई भी कमाल नहीं कर पाए, कुछ भी जादू नहीं बिखर पाए, जिससे खटास और बढ़ गई है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि भैया हमें इनके वोट नहीं मिले। वही मायावती जी का कहना था कि हमें यादवों के वोट नहीं मिले, और वही इनका कहना था कि हमें बसपा के वोट नहीं मिले। दोनों ने एक दूसरों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोनों भी अभी क्लियर कर चुके हैं कि आने वाले किसी भी चुनाव में हम लोग एक साथ नहीं आने वाले। तो किस प्रकार से दलितों के वोट को लिया जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक रणनीति बनाई है, जिसका कार्ड पाना अभी मायावती जी के पास बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पहला विकल्प माना जा रहा है, यानी कि अभी भाजपा की सरकार है, उसके बाद दूसरा जो विकल्प है यानी कि जो लोग चुन रहे हैं वो अखिलेश यादव जी को चुन रहे हैं। मैंने कई सारे सर्वेस देखे, कई सारी रिपोर्ट्स देखी जिसमें योगी जी के बाद अखिलेश यादव जी का नंबर आ रहा है। यानी कि भाजपा के पास तो अपना वोट बैंक है ही भाई, ऊपर से मीडिया भी उनके साथ है, लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ भी समर्थन अच्छा खासा दिखाई दे रहा है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। तो वही दोस्तों, अब अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, वो तैयार करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपको पता होगा समाजवादी पार्टी की सपा आर्मी है, सपा वाहिनी है, उसी प्रकार से अब युवाओं को लुभाने के लिए, दलित युवाओं को लुभाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी का एक गठन किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। यूपी के चुनाव को देखते हुए दलितों को वोट लेने के लिए, दलितों के नेता तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी मतलब उनको लुभाना चाहती है, इसलिए अंबेडकर वाहिनी का एक गठन किया जाएगा, जिससे ये अंबेडकर वाहिनी दलितों की बस्तियों में जाके, दलित इलाकों में जाके जहां पर बहुजन समाज रहता है वहां पर जाके वापस आपका मिशन में चला सकती है। और सबसे जो बड़ा काम होगा अखिलेश यादव जी का, वोट खींचना दलितों का। वही दोस्तों, मायावती चाहती है कि 2007 की तरह जिस प्रकार से बहुजन यानी कि दलित और ब्राह्मण एक साथ आए थे 2007 में, वैसे ही फिर से दोहराया जाए, 2022 में भी दोनों साथ में आए और ये सरकार बनाई जाए, जो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि यूपी में कौन बनाएगा सरकार, अगर भाजपा सरकार छोड़ती है, उसे हटा दिया जाता है, तो दूसरी कौन सी पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कोई तीसरी पार्टी होगी जो यूपी में सरकार बनाने के लिए अभी सबसे प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है। नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी नीचे बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके भारत दस्तक को हमारे मेंबर बन जाइए।